लास्ट व्लॉग में आपको कहा था कि मैं एक सरप्राइज देने वाला हूँ, एंड वो सरप्राइज है माय न्यू बाइक SP125। कितने दिन बाद हम लोग राइड कर रहे हैं? कान्हा नेशनल पार्क के बाद शायद ना, फरवरी में गए थे और अभी जा रहे हैं हम लोग। वैसे मैं एक राइड कर चुका हूँ, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं था, वो 130 किलोमीटर, वो कांकेर वाला था राइड। तो फिलहाल निकलते हैं अमरकंटक के लिए। हियर इज आवर अनदर राइडर। गुड मॉर्निंग राइडर सौरभ। चल भाई ग्लव्स पहन ले। ये बता रहा है 6 घंटे लगेंगे हमको, 9:30 बजे तक पहुँचेंगे बोल रहा है। मैं चला रहा हूँ तो आराम से पहुँचेंगे 10:30 बजे तक। सर मेरा माइक अनप्लग हो गया था, आई होप आवाज आए अब। तो आपको मैं बताऊंगा भिलाई टू अमरकंटक के लिए कौन सा रूट अच्छा रहेगा। वैसे आप बिलासपुर वाला रूट ले सकते हो, बहुत अच्छा रोड है, प्यारा रोड है। ये वाला रूट का मुझे पता नहीं है, तो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि ये वाला रूट अगर लेते हो तो क्या अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो आगे पूरा देखना भाई ये वीडियो को और लाइक ज़रूर करना। तो इस गाड़ी का जो लाइट है मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, और अब सौरभ की गाड़ी के RS 200 की लाइट देख सकते हो कितना ब्राइट है। मेरी गाड़ी का लाइट तब समझ में आता है जब ये कम्प्लीटली डार्क होता है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा मिस्ट जा रहा है, पता नहीं आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं, यहाँ से दिखेगा। हम लोग यहाँ पे रुके हैं वॉशरूम ब्रेक ले, एंड एक्चुअली मेरा माइक भी निकल गया था। सभी ऑल गुड? हाँ, सौरभ ने नया जैकेट लिया है भाई, जैकेट दिखाता है तेरा, बहुत मस्त लग रहा है एकदम रेडियम जैकेट। ओके बाइकिंग ब्रदरहुड, लिंक इज नॉट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तेरा रॉयल एनफील्ड वाला है ना तेरा? नहीं भाई, कहाँ रॉयल एनफील्ड, गाड़ी नहीं है तो रॉयल एनफील्ड का जैकेट ले। अच्छी खासी फॉग है यार, और रोड इज जस्ट ऑसम, गजब रोड है, गजब। बहुत देर बाद एक ढाबा दिखा तो हम लोग यहाँ रुक गए हैं, अब चाय पानी पियेंगे। अरे कुछ बोलेगा ये? हाँ ये हुई ना बात। चल भाई निकलते हैं। सभी हम लोग बेमित्रा पहुँचने वाले हैं, सनराइज भी होने वाला है। तो सनराइज होने के पहले एक लाइनिंग रहती है ना ऑरेंज कलर की, तो वो चीज़ अभी दिख रही है, बहुत ही अल्टीमेट दिख रहा है सन अभी, एकदम गोल्डन रेड जिसको बोलते हैं, वाओ। एंड अभी टाइम हो रहा है 6:28, तो अभी सनराइज का टाइम है। समर सीजन में तो 5:30 बजे सनराइज हो जाता है। और ये रहा मेरा आलू का पराठा, और ये है रहा मेथी का पराठा, गोभी की सब्जी। क्या लाया भाई तुमने? मैगी। सो ब्रेकफास्ट हो गया, अब हम निकल चुके हैं अमरकंटक रेंजेस की ओर। गूगल बता रहा है कि करीब 2 घंटे लगेंगे, 80 किलोमीटर्स टू गो। आगे से राइट, यहाँ से राइट है भाई। सौरभ फिर पीछे रह गया, उसकी बाइक को रेसिंग वाली है ना, उसको आराम से ही आना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम होती है भाई, जो रेसिंग वाली बाइक होती है ना बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है घंटों पे। आप जब भिलाई से अमरकंटक जा रहे हो मुंगेली तक तो ठीक है, लेकिन मुंगेली से अभी जो रास्ता आप देख रहे हो ऐसा ही रास्ता है आगे, और देखते हैं अभी तक तो। बट मुझे ये रास्ता फिर भी सही लग रहा है, कार के लिए तो ये रास्ता बिल्कुल नहीं है। अगर आप कार से जा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप बिलासपुर वाला ही रूट पकड़ना, क्योंकि वो नेशनल हाईवे है और काफ़ी जल्दी भी पहुंचोगे। रूट आप बाइक से आ सकते हो, ये आपको करीब 50 किलोमीटर बचा देगा। ये टाइगर रिजर्व आपका स्वागत करता है। हाँ ये अचानक मार टाइगर रिजर्व है, बाघ दिखे तो बता देना, फोटो खींचेंगे हैं, सेल्फी लेंगे उसके साथ, कभी नहीं लिया मैंने। सो ये यहाँ का अमरकंटक का झील, जा सकते हैं क्या? जाएंगे भाई,
नहीं भाई अटक जाएंगे। अपनी गाड़ी वो वाली थोड़ी ना एक्सपल्स या हिमालयन, ये जो नोकीले पत्थर होता है उसे पंचर होने का डर रहता है। सौरभ अभी शायद खो गया है, उसको मैं बोला हूँ कि अमरकंटक का भाई मैप में डाल और पहुँच अपने आप ही, वहाँ पहुँच के फिर मुझे कॉल करेगा। ये देख एडवेंचर आ गया। अब टायर स्लिप होगा, 100% स्लिप होगा। हो गया स्लिप, बोला ना। अबे स्लिप हो रहा है, स्लिप हो रहा है। चलो अच्छा है, बच गए। ओके एकदम धीरे धीरे चलाना पड़ेगा भाई, बहुत ही धीरे धीरे। सर झुका ले कौशल। अभी ये शायद कोर एरिया के अंदर से हम जा रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओ वाओ, कौशल हट जा, हट जा, हट जा, उतर जा, उस साइड से चल। आजा आजा, अबे डबल में है ना हम लोग, इसलिए स्लिप खा दिया, समझ रहा। नहीं वो तो अच्छा हो ना, गिरे नहीं कम से कम, वरना इज्जत का फालूदा हो जाता। मैं इस साइड ही जा रहा था, मैं इधर इधर हो गया। अगर मैं इधर लेने की कोशिश करता ना, इस साइड गिरते फिर। सभी हमें अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एकदम बीच में, यहाँ झरना भी है। अभी देख देख डैम बनाया है इन लोगों ने, छोटा सा प्यारा सा। गजब पानी है भाई, ठंडा बेहतरीन। तो अभी भी करीब 60 किलोमीटर दूर है, गूगल में तो बता रहा है कि 30 किलोमीटर है, लेकिन अभी किसी ने बताया कि यहाँ से अभी और 2 घंटे का रास्ता है। 2 घंटा तो नहीं लगना चाहिए, हार्डली 1 घंटा या 1.5 घंटा लगेगा। एडवेंचर करना तभी बाइक में आओ, हाँ। नहीं तो भाई ट्रेन से आओ या बस गाड़ी बुक करके। हाँ, और अगर ट्रेन से अगर आना चाह रहे हो तो पेंड्रा रोड इसके यहाँ का रेलवे स्टेशन है अमरकंटक का। एंड फ्लाइट से आना चाह रहे हो तो जबलपुर एकदम नियरेस्ट एयरपोर्ट है, एंड जबलपुर से 100 किलोमीटर के अप्रोक्स होगा। और कार वाल में आना चाह रहे तो बिलासपुर रोड से। ये मेन रोड में तो आ गया हूँ, लेकिन मेन रोड ऐसा रोड होता है, अरे सोचा भी नहीं था, इतना घटिया रोड। अभी तो जाके हम लोग को होटल लेना है, थोड़ा बहुत होटल भी आपको दिखा दूंगा कि क्या होटल, वैसे मुझे नहीं पता, मैं तो बुकिंग किया नहीं हूँ। वहाँ जाके देखेंगे कि कैसा होटल लेना है हमको, लेकिन कोशिश करेंगे कि सस्ते से सस्ता होटल ले, सस्ते में अच्छा। सो फाइनली हमने रूम सिलेक्ट कर लिया है ये होटल में। ये रहा 3 लोगों के लिए, वैसे 4 लोगों के लिए रूम है ये। इसकी कीमत है 800 रुपीस। एक और 800 का रूम है ये वाला, ये सिर्फ 2 लोगों का है, इसके साथ अटैच वॉशरूम है एंड टॉयलेट इस साइड है, दैट इज़ अ वेस्टर्न वन। ये 800 वाला है एंड ये 600 वाला है, सिंपल सा है एंड ये छोटा सा बैल्कनी। सभी हम लोग फ्रेश हो गए हैं, सभी हम लोग निकल रहे हैं कपिलधारा वाटरफॉल देखने के लिए एंड दूधधारा वाटरफॉल, जिसको आप नेक्स्ट वाले वीडियो में देखने वाले हो। इस वीडियो को मैं यही पेंट कर रहा हूँ। आई होप आपको ये रूट के बारे में पता चल गया होगा, भिलाई टू अमरकंटक का। एनीवेज इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। बाय।